अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सोना आज अपने चैनल सोना खाना इजी कुकिंग पर आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ। अल्लाह पाक आप सभी को बहुत खुश रखे, हमेशा कामयाब बनाएं। तो आज मैं अपने चैनल पर लेकर आई हूँ पुरानी दिल्ली फेमस मोगलाई चिकन की रेसिपी। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना डिलीशियस लग रहा है। तो इसको मैंने कैसे बनाया है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में अपना कमेंट भी ज़रूर दें। तो चलिए बनाते हैं इसको। यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन लिया है, बोन्स के साथ लिया है। इसको मैंने धो के क्लीन करके रखा हुआ है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में 3 चम्मच के करीब डालूँगे उसमें दही। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला। साथ में डाल देंगे हम 1 चम्मच भर के पिसे हुए धनिया का पाउडर, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आप हाथ से चाहें तो हाथ से मिला दें या फिर आप स्पून से, जैसे भी आपको सही लगता है। मिलाने के बाद आप इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। 1 घंटे के बाद हम उसको दिखाते हैं इसमें से क्या करना है। तो यहाँ पर 1 घंटा हो गया है, तो चलिए अब हम आपको आगे के स्टेप बताते हैं। तो यहाँ पर एक पैन ले लेंगे, पैन को हम गरम कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इस पर हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था उन सारे पीसेस को हम अच्छी तरीके से पैन पर फैलाते हुए रख देंगे। सारे पीसेस को हम एक ही पैन में फैला करके फ्राई होने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसको 2 हिस्से में भी फ्राई कर सकते हैं। जब ये सारे पीसेस अच्छे से फ्राई होने लगे तब हम इसको टर्न कर देंगे, पलट देंगे सारे पीसेस को। और पलट के भी हम इसके सारे पीसेस को पलट पलट करके चारों तरफ से हम अच्छी तरीके से इसको पका लेंगे, जिससे इसका जो मैरिनेट किया हुआ है वो सब अच्छी तरीके से पक जाए। और अब हम इसको ढक देंगे चारों तरफ से पलट के। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको ढक के और पका लेंगे, जिससे कि हमारा चिकन क्या होगा कि अंदर से और अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पर इसको ढकना बहुत ज़रूरी है ताकि चिकन अंदर से कच्चा ना रहे। तो यहाँ पे 1/2 घंटा हो गया है, आप देख सकते हैं चिकन बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गया है, बिल्कुल इसमें कुछ भी पानी वगैरह नहीं बचा है। तो अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और हम अब आपको आगे के स्टेप बताते हैं। इसकी हम ग्रेवी बनाने वाले हैं और ग्रेवी में क्या कर रहे हैं सब बताते हैं हम आपको। तो यहाँ पर हमने डाला है 1 बड़ा सर्विंग स्पून ऑयल और इसमें साथ में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच के करीब देसी घी। और इसके साथ मैं कुछ साबुत मसाले लूँगी, जो भी आपके पास नॉर्मली घर पे बेसिक से मसाले हों आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ मैं ले रही हूँ 3 मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैंने कट करके रखा हुआ था। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज फ्राई होता है मैं आपको अपने और आगे के मसाले भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लेना है कुछ स्पाइसेस, जो कि मैंने 1/2 चम्मच हल्दी लिए, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। यहाँ पर आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर लें। और जैसे ही प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन कलर में आ जाए यहाँ पर हम डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ में हम डाल देंगे 3 से 4 साबुत हरी मिर्च। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, कुछ काजू और थोड़े से बादाम। इसका हम एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है हमने। तो अब ये जो पेस्ट बनाया था हमने, सबसे पहले तो ये पेस्ट हम इस ऑयल में डाल करके अच्छे से भून लेंगे। जब ये पेस्ट अच्छे से भुनने लगे तो इसके साथ में हम डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट, इसको भी हम साथ में डाल करके अच्छे से भूनेंगे। और अब जो हमने आपको मसाले दिखाए थे
वो यहाँ पर हम डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लेंगे, साथ में कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर डाल देना दोस्तों। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से चलाते हुए हम भून लेंगे। मसाले भूनते वक्त थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि हमारे मसाले चले नहीं, और इन्हें अब हम अच्छी तरीके से 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। जब आपको यहाँ पर लगे मसाला अच्छे से भुनने लगा है तो हम यहाँ पर 1 चम्मच होममेड गरम मसाला ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बाहर के मार्केट का गरम मसाला है तो वो भी आप डाल सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर हम आमचूर भी ऐड करेंगे, अगर हो तो आप डाल दें वरना तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब जो हमने चिकन फ्राई करके रखा था वो सब हम इस मसाले के अंदर डाल करके इसको भी अच्छे से भून लेंगे। 2 मिनट के लिए भूनेंगे बस। ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे पानी। 1 गिलास पानी डालने के बाद हम इसको 10 मिनट ढक के पकाएंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ा कप दही। ये तकरीबन 100 ग्राम के करीब दही है। ये दही डाल करके हम अच्छी तरीके से इसको पका लेंगे। आप चाहें तो जब हम मसाला भूनते हैं उसी वक्त भी आप दही डाल सकते हैं। जब ये पकने लगे तो इसकी ग्रेवी बनाने के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 गिलास कच्चा दूध। जैसे ही दही और सारे मसाले बन जाएं तो अब हम यहाँ पर कच्चा दूध डालते हैं। इससे ही बिल्कुल क्रीमी सा टेस्ट आता है हमारी ग्रेवी में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छी तरीके से बन चुकी हैं। मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पका लिया है, तो यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। ऑलमोस्ट बस इसमें कुछ चीज़ें और रह गई हैं शामिल करने के लिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट पे तो हम डाल रहे हैं इसमें क्रीम। ये मैं होममेड की फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट की क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्रीम डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 5 से 7 मिनट हम इसको पकने देंगे, और इसके साथ हम बाकी की बेसिक चीज़ें भी डाल लेते हैं। इसके साथ में हम शामिल करेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, जो कि मैंने तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया था। आप चाहें तो इसको क्रश करके भी डाल सकते हैं या इसको ऐसे भी डाल सकते हैं यहाँ पर। और साथ में मैं डाल दूँगी इसमें 1 चम्मच के करीब गरम मसाला। आप यहाँ पे गरम मसाला अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इन सारी चीज़ों को मिला देंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं मुगलाई चिकन बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू से सारा घर महक गया है। बहुत ही अच्छा और डिलीशियस बना है। अब आप इसको सर्व करें अपनी पसंद की तंदूरी रोटी या नान, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो उससे आप इसको सर्व करें। और कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताएं दोस्तों। आपकी दोस्त सोना लेती हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलती हूँ आपसे नई और एक ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर बिल्कुल करना ना भूलें, और अपने दोस्त सोना को लाइक और कमेंट भी ज़रूर दें, जिससे भी आपको मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूं। अल्लाह हाफिज़।